अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद हों, आमीन। तो जी, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फॉर विंटर। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँगी जो एवरी वन शुड हैव इन विंटर। आप सब के घरों में ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो जी, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज पॉन्ड्स ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ मॉइस्चराइजिंग लोशन। इट हैज़ विटामिन्स लाइक B3, E, and C। ये बहुत अच्छा है, प्रॉपर मॉइस्चराइजर करता है हैंड्स को। इससे पहले मैं वेजलिन का यूज़ करती थी लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। ये वाला मैं अपने मतलब हैंड्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन आप फेस के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, तो ये वेजलिन है। आई कैन नॉट लिव विदाउट वेजलिन, क्योंकि मेरी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है विंटर्स में। तो ये पेट्रोलियम जेली जो है मस्ट हैव। यू कैन यूज़ लाइक फॉर योर हैंड मॉइस्चराइज़र, फीट मॉइस्चराइज़र एट नाइट टाइम। आप थोड़ा सा अपने हाथों पे, पाँव पे लगा दें, स्पेशली वो जो लेडीज़ हैं जो सारा दिन काम करती हैं और उनको अपना मी टाइम नहीं मिलता। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने, प्लीज़ थोड़ी सी अपने लिए टाइम निकाल लें अपने हैंड्स और फीट्स को, रात को एटलीस्ट ये वाला मॉइस्चराइज करके फिर आराम से सो जाएं। यू मे टू इवन लाइक यू कैन यूज़ एज फॉर लाइक लिप मॉइस्चराइज़र एज वेल, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऑल इन वन प्रोडक्ट है। उसके बाद आई थिंक कोकोनट ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो जो मैं यूज़ कर सकती हूँ करती हूँ नॉर्मली पैराशूट वाला, वो इस दफ़ा नहीं मिला था तो मैंने यही ले लिया था, क्योंकि कोकोनट ऑयल इज़ लाइक सो मस्ट है फॉर मी। ये आप यूज़ कर सकते हैं ना अपने बालों के लिए सिर्फ, बट आप ऑल्सो एज अ मॉइस्चराइज़र। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई हो जाती है वो, तो फिर ये वाला एज अ फेस मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो फॉर योर हैंड एंड फीट। कोकोनट ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ बनाता है और सर्दियों में बहुत ही आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं वो है ये वाली फेस एंड कंट्रोल नेक लॉरियल की क्रीम, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये आप यूज़ करें अगर आपकी मतलब योर एजिंग हो रही है, एजिंग की साइंस आपको मतलब शो हो रहे हैं लाइक रिंकल्स, तो ये वाली बहुत ही अच्छी है। ये इसका आप थोड़ा सा अच्छा सा अमाउंट लेके आप नेक पे प्रॉपरली फेस पे लगाएं और आपको मतलब डिफरेंस मिलेगा। यूज़ करने के बाद आपको डिफरेंस नोटिस करेंगे। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, डिस्क्लेमर, कि मुझे इनके प्रोडक्ट्स में किसी से भी पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ देती हूँ, जैसा कि आपको बताया कि हमेशा मैं वही रिव्यूज़ देती हूँ जो प्रोडक्ट्स में आप खुद यूज़ कर करती हूँ और फिर ही आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर वो ऑनेस्टी रिव्यू होता है, किसी की मतलब पेड प्रमोशन नहीं होती। अच्छा जी, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज़ लिप बाम। आई थिंक विंटर में हमारे लिप्स सुपर ड्राई हो जाते हैं तो ये वाला तो मस्ट होना चाहिए। ये तो मेरे साथ होता है मेरे हैंड बैग में, मेरे बैग में अगर मैं जॉब भी जा रही हूँ या कहीं भी जाऊँ तो मुझे तो ये मस्ट है, ये और ये वेजलिन। आई कैन नॉट लिव विदाउट इस इन विंटर। तो ये थी चीज़ें जो मैं कहती हूँ कि मस्ट हैं, क्योंकि हमें विंटर में अपनी स्किन का, स्पेशली हैंड्स और फीट का प्रॉपरली ख्याल रखना चाहिए। तो जी, आप बताइएगा आप कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं करते हैं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन।